फ्रेंड्स वेलकम टू माय टेक चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लॉयड स्टील के बारे में, जो कि एक पैनिक शेयर हुआ करता था और अभी भी पैनिक शेयर है, क्योंकि पहले इसका भाव जो 50 रुपीज़ के अंदर था, ठीक है, और अभी ये देखिए 3 रुपीज़ तक चला गया था, 4 रुपीज़ तक सॉरी, और अभी ये फिर ब्रेक किया था शेयर लोअर सर्किट पे, और अभी देखिए फिर ये इसका अपर सर्किट लग गया, ठीक है। और इसका आज डिटेल्स देखेंगे, इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, आज इसका क्वार्टर रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका मार्केट कैप क्या है, ठीक है, इसका सारे डिटेल्स आज आपको दिखाऊंगा। और जो भी चाहते हो मेरे चैनल पर भी बने रहो, क्योंकि वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहो, ठीक है। और जो भी चाहते हो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं जीरोधा पे और देखते हैं और इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं जीरोधा के चार्ट पे और आज आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और आपको दिखाऊंगा आज, ठीक है। देखिए ये शेयर जो 24 से कंटिन्यूसली ऊपर सर्किट में है, ठीक है, 24 देखिए, 25, 26, 27 और ये मंडे ट्यूसडे को भी ये ऊपर सर्किट में लगेगा रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसका दौड़ना स्टार्ट हो गया फिर से। और फिर देखिए ये जो पिछला है था 4, उसको भी क्रॉस करेगा, देखिए ये 5-6 रुपीज़ तक जाएगा, ठीक है, ज़्यादा भी जा सकता है 10 रुपीज़ तक, ऐसा नहीं बोल सकता 5 रुपीज़ तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी कंटिन्यूस इसका अपर सर्किट स्टार्ट हो गया। देखिए जब से यहाँ से अपर सर्किट स्टार्ट हुआ था 2 रुपीज़ से, देखिए ये चला गया था 4.18, ठीक है, तो अभी भी ये जा रहा है। और देखिए ये मैं आपको इसका चार्ट डिटेल्स दिखाता हूँ, इसका चार्ट देखिए, देखिए इसका चार्ट जो ये लेवल पे 50 और 90 के बीच कुछ दिनों तक ये घूम रहा था, ठीक है। देखिए इसको मैं भी देखा था 50 रुपीज़ के बाद, ठीक है, 50 रुपीज़ के टाइम, और उस टाइम नहीं खरीदा था, ठीक है, लेकिन आज देखिए मैं भी पछता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये शेयर भाग चुका है और आगे भी ये भागेगा। और देखिए मैं 50-70 रुपीज़ के अंदर ये घूम रहा था, फिर देखिए इसका नेक्स्ट टारगेट रहा 120 नहीं, उसके बाद रहा 145, फिर रहा 227, उसके बाद देखिए डायरेक्ट 4 रुपीज़ चला गया, फिर थोड़ा ब्रेक किया, ठीक है, और देखिए यहाँ पे 4 रुपीज़, फिर देखिए थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके ये आ गया था आपका 253 रुपीज़, 255, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर सर्किट चालू हो गया, ये फिर जाएगा नेक्स्ट टारगेट तक, ठीक है। देखिए इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपका, ये ब्रेक करेगा तो देखिए मंडे को देखिए ये 350 तक जाएगा, ठीक है, उसके बाद जाएगा 370 और जाएगा फिर 4 रुपीज़, उसके बाद 422 ब्रेक करेगा तो 25, तो 5 रुपीज़ जाएगा शेयर। शेयर में अभी ज़बरदस्त रैली हो रहा है, जो भी चाहते हो अभी शेयर खरीद लो, क्योंकि मौका है, आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा। और मैं आपको इसका दिखाता हूँ आज डिटेल्स, चलो देखते हैं इसका शेयर का, ठीक है, और चलो चल। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कंपनी के बारे में, लॉयड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है लॉयड स्टील इंडस्ट्री एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, ठीक है, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट ये बनाता है बोल रहा है, ठीक है। और मार्केट कैप है इसका 274 करोड़ है, और इसका जो करंट प्राइस है 3.05 है, हाई गया था इसका 4.15, लो गया था 0.64, बुक वैल्यू है 1.26, फेस वैल्यू है इसका 1 रुपीज़, और स्टॉक ROCE है 1.29, डिविडेंड 0.0% दिया है, ठीक है। इसका देखिए 4 रुपीज़ देखिए इसका मैक्सिमम है, देखते हैं और कुछ गया है तो
इसका 4 रुपीज़ तक गया है, ठीक है, और तो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसका देखते हैं, चलो क्वार्टर रिजल्ट देखिए, सितंबर 2018 पे ये 19.17 करोड़ का इसका सेल हुआ था, और इसका देखिए इसका जो प्रॉफिट हुआ था 0.72 करोड़, मतलब प्रॉफिट हुआ था 0.72 करोड़। और इसका जो दिसंबर 2018 में इसका हुआ था 0.65 करोड़। उसके बाद देखिए मार्च 2019 में थोड़ा इसका सेल हुआ था 26.83 करोड़, और जो प्रॉफिट हुआ था इसका -0.20 करोड़, मतलब 20 लाख का हुआ था, ठीक है। और इसका जो जून 2019 में देखिए 1.50 करोड़, ठीक है। और इसका और फिर आया मार्च 2020 में देखिए 0.12 करोड़, ठीक है, 20। अगला जो कोरोना की वजह से ये गिर गया था जून 2020 में देखिए, फिर इसका 0.28 करोड़ का हुआ, और इसका जो सेल था 9.99 करोड़ का सितंबर 2020 में हुआ था आपका 0.58 करोड़। अभी देखिए ये आ गया, फिर ग्रोथ होने लगा इसमें दिसंबर 2020 में देखिए इसका 0.88 करोड़। फिर देखिए इसका ये मार्च 2021 को देखिए कोरोना का वजह से ये भी थोड़ा गिर गया इसका जो -1.24 करोड़। अभी जून में भी माइनस जून में 2021 को 5.2 करोड़ का 20 करोड़ का इसका सेल हुआ था, और इसका जो प्राइस है माइनस नेट प्रॉफिट -1.01 लॉस हुआ है, मतलब शेयर में प्रॉफिट दिखा रहा है। और इसका देखिए इसका कैश फ्लो देखिए मार्च 2021 को अभी 0.47 करोड़ है, कैश फ्लो भी कंपनी के पास है, ठीक है। और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए 2018 में प्रमोटर था 46.12 था, अभी देखिए मार्च जून 2021 में देखिए प्रमोटर इसका होल्डिंग ग्रोथ हुआ है इसमें 53.41 हुआ है जून 2021 में, प्रमोटर इसमें अच्छा खासा मतलब आ गया है। DIS का 12.25 था, अभी DIS का देखिए 0.06 है, DIS थोड़ा इसमें हट गया है। और इसका जो पब्लिक था 41.64 था, अभी 46.53 है, मतलब पब्लिक में इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, ग्रोथ हुआ है। तो फ्रेंड्स देख लिए आप इसका डिटेल्स, और शेयर को अभी खरीद लो क्योंकि अभी मौका है। और जो भी चाहते हो मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, ताकि मेरा जो वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलो रखता हूँ, बाय।